हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, वैसे तो मेरे को वीडियो बनाना था जो अपन कर रहे थे, जो सुबेरे का टॉपिक चल रहा था उसी के ऊपर, लेकिन जो है बैंकिंग वाला टॉपिक के लिए जो डाटा की जरूरत थी, जो नाबार्ड का कितना पैसा ये, उसको मैं निकाल नहीं पाया हूं अभी, क्योंकि मेरे को आज आने में लेट हो गया था। तो आज हम उसकी जगह एक नया टॉपिक जो आजीविका का है, बाजार, उसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ जो बचा हुआ टॉपिक है उसको मैं आज कल के वीडियो में या हो सकता है परसों, 2 दिन के बीच में ही उस वीडियो को भी कंप्लीट कर लेंगे उसको भी। तो हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज आजीविका का ही पार्ट है जो है बाजार। तो बाजार जो है मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन लगभग लगभग जो है इससे पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन जो पेपर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन उसके लिए बस आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत है। कोई उसमें ऐसा नहीं कि डीप में एकदम जाकर पढ़ने की जरूरत है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाजार का क्वेश्चन जो है आसानी से बनाया जा सकता है। अधिकतर जो क्वेश्चन है बाजार के वो उसके प्रकार के ऊपर ही आ रहे हैं, स्थानीय बाजार कैसे होता है या जो भी है। तो हम आज के वीडियो में जो है बाजार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से एक प्रकार प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, और जो बाकी पार्ट जितने भी वर्गीकरण है उसको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो में हमारा बाजार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर बाजार बोला किसको जाता है, ठीक। तो मैं बता रहा हूं, ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं को के क्रेता और विक्रेता एक साथ एकत्रित होकर वस्तु एवं सेवाओं का क्रय या विक्रय करते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था जहां पर, या ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं के क्रेता यानी वस्तुओं को खरीदने वाले और विक्रेता यानी वस्तुओं को बेचने वाले एक साथ एकत्रित होते हैं, और वहां पर वो वस्तु या सेवाओं को या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। यानी किस किस की किसकी आवश्यकता है यहाँ पर? बाजार के लिए हमको एक खरीदने वाले की आवश्यकता यानी क्रेता, और एक बेचने वाले की आवश्यकता होती यानी विक्रेता। तो ये दोनों एक साथ जहां पर उपस्थित होते हैं, तो ये क्रेता क्या करेगा? वस्तुओं को क्रय करेगा, और विक्रेता क्या करेगा? वस्तुओं को बेचेगा, विक्रय करेगा। तो ये क्रय और विक्रय की प्रक्रिया जहां होगी और जहां पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होगा, तो इनके पूरे का जोड़ को क्या बोला जाएगा? बाजार बोला जाएगा, ठीक। तो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है क्रेता और विक्रेता, और साथ ही वस्तुओं की खरीदी या बिक्री। तो ये दोनों चीज जहां पर उपस्थित होगी तो उसको मिलाकर क्या बोला जाएगा? बाजार बोला जाएगा। नॉर्मल भाषा में हो गया, ठीक है। तो चाहे वह हम नॉर्मल हम किसी दुकान में जाकर किसी चीज को खरीदें या कुछ ऑनलाइन खरीद, तो ऑनलाइन में भी जैसे हम कुछ खरीद रहे हैं, जैसे हम ऑनलाइन अमेजन में जाके कुछ वस्तु खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाले क्रेता तो हम भी हो गए और बेचने वाला अमेजन हो गए यानी विक्रेता। तो यहाँ पर वो अपनी वस्तुओं को, हम जो है हम किसी वस्तुओं को खरीद रहे हैं और अमेजन हमको वस्तुओं को बेच रहे हैं। तो ऑनलाइन केस में भी यही, इसी को बाजार बोला जाएगा, ठीक है। तो बाजार की यही एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम जो देखते हैं, हम आज बांटेंगे, जो हम बाजार को स्पेशली पढ़ेंगे वो हम देखेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, ठीक है। तो प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दूसरा प्रकार होता है शून्य प्रतियोगिता बाजार, और जो तीसरा होता है वो होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो हम ये सभी बाजारों को जो है हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, तो ज्यादा हमको ज्यादा समझने में आसानी होगी। तो मैं सबको, आप पहले ये 3 प्रकार के होते हैं इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आखिर होता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या हुआ? जहां पर किसी भी वस्तुओं के लिए प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है,
यानी जहां पर प्रतियोगिता किसी भी वस्तुओं के व्यापार के लिए एकदम ज्यादा होगी तो वही बाजार कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ओप्पो का एक फोन है, ओप्पो का है एक, वीवो का फोन है और यही सोनी का फोन है, ठीक है। ये तीन हम एग्जांपल लेके तौर पर चलते हैं। तो मान लेते हैं ओप्पो जो फोन दे रहा है वो दे रहा है 13,000 रुपए में, ठीक, और वही फोन जो दे रहा है वीवो उसी टाइप का फोन सेम फीचर के साथ ये भी पहुंचा रहा है लगभग 12,500 रुपए में, ठीक, और वही चीज जो सोनी दे रहा है वही वो चीज दे रहा है 13,500 रुपए में। तो क्या हो गया, एक ही टाइप के मॉडल जो है, जो सेम हर जो मतलब जो क्वालिटी है हर फोन की वो एक ही टाइप की यहाँ पर उपस्थित है और उसके रेट भी लगभग लगभग एक समान है। तो क्या होगा, इन सभी के बीच जो है अपने फोन को बेचने के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रतियोगिता होगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर ओप्पो के अपने कस्टमर होंगे, ठीक है, यानी इतनी संख्या में कस्टमर है कि ओप्पो के खुद के भी कस्टमर होंगे कई चीज वस्तु लेने वाले, और वीवो के ऐसे भी समर्थक होंगे जो केवल वीवो का ही फोन लेंगे, और कुछ ऐसे भी समर्थक होंगे जो सोनी का ही फोन लेंगे। यानी यहाँ पर जो कस्टमर है बंधे हुए हैं, यानी वो यहाँ पर थोड़े से भी पैसे का फर्क नहीं देखेंगे, जो अपनी कंपनी के बंधे हुए कस्टमर है वो अपने अपनी कंपनी से जाकर फोन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जो हमारे मतलब खरीदने वाले कस्टमर है उनकी संख्या भी बहुत है और वही वस्तु बेचने वाले जो विक्रेता है उनकी संख्या भी बहुत है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी कंपनी जो है किसी वस्तु के रेट को एकदम मतलब यही सेम फीचर वाले वस्तु के रेट को एकदम लंबा तो बढ़ा नहीं सकती, ये 13,000 में बेच रहा है तो यही चीज ये 18,000 में थोड़ी बेच देगा। अगर 18,000 में बेचेगा यही वस्तु यहाँ पर मतलब यही तो कस्टमर जो है यहाँ पे ओप्पो वाला जो है टूट के वीवो या सोनी में चले जाएगा, अगर वही चीज उसको यहाँ 12,500 या 13,500 में मिल रही है तो ये ओप्पो तो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर यहाँ चले जाए, तो ये क्या करेगा, इसी के आसपास की रेंज में अपने प्रोडक्ट को उपलब्ध कराएगा। तो इससे हम एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का क्या एक हम विशेषता बता सकते हैं, क्या हो सकता है कि यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक संख्या में होती है जिसके कारण बाजार की कीमत जो है वो प्रभावित नहीं होती, ठीक है। कैसे प्रभावित नहीं हो रही, बाजार कीमत यहाँ पर प्रभावित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रभावित, क्योंकि सेम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपनियों के पास उपलब्ध है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ओप्पो या सोनी किसी भी वही प्रोडक्ट को एकदम बड़े मार्जिन में बेच दे। तो क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए वो यहाँ पर अपने वस्तुओं के रेट को इसी के आसपास रखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सभी वस्तुओं के रेट इसी के आसपास होगा तो बाजार में उन वस्तुओं की कीमत जो है ना तो अधिक बढ़ जाएगी ना तो अधिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो बाजार की जो कीमत है वो प्रभावित नहीं होती पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। जैसे आप कुछ भी इंटरनेट विक्रेता या कोई इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं तब भी आप मार्केट में देखे होंगे कि 98 रुपए 100 रुपए इसी के आसपास सभी 4G सेवा, या जब से जियो आया तब से तो ये 4G सेवा जो है अपना रेट इतना गिराती है, जहां पहले 98 रुपए में 2G जो हमको मिलता था लगभग 500 MB ऐसा कुछ मिलता था, आज वही 98 रुपए में हमको जो 4G मिल रहा है लगभग लगभग 1 GB के करीब, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है इनके बीच, ठीक है। तो ये मार्केट क्या बन गया, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई भी वस्तुओं का रेट जो है बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं करेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, कस्टमर को होगा, क्योंकि उसको वस्तुएं कम से कम दरों में मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है सब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ जाएगा कि कंपनी जो है अगर कोई एक कंपनी अपना रेट गिराएगी तो बाकी कंपनियां भी रेट गिरा देगी वहां पर। तो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर को होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट का जो है उसका दूसरा विशेषता क्या है, बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान मतलब क्या होगा, जो कस्टमर है उसको पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है। यानी जो वस्तु ओप्पो 13,000 रुपए में दे रहा है तो कस्टमर को ये पता रहता है कि वीवो वही सेम चीज 12,500 में दे रहा है, सोनी वही चीज 13,500 में दे रहा है। यानी जो कस्टमर रहेगा या जो बेचने वाला भी रहेगा, विक्रेता भी रहेगा, उसको भी ये पता है कि मार्केट में जो वस्तुएं हैं उनका रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाजारों की दशा का पूर्ण ज्ञान जो है वो कस्टमर को भी रहेगा
और जो सेलर है उसको भी रहेगा, ठीक है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता हम देखते हैं, वस्तु की केवल एक कीमत होगी, वस्तु की केवल एक कीमत होगी। कैसे? यानी वस्तुएं जितने रुपए में मिल रही है, अगर अभी पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में, वो वस्तुएं उतने ही रुपए में होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि जो ओप्पो है यही वाले चीज को 18,000 रुपए में बेच दे। 18,000 रुपए जैसे ही ओप्पो करेगा तो उसका मार्केट क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यानी कस्टमर ओप्पो का 18,000 रुपए में वो फोन लेने ही क्यों जाएगा, जब उसको 13,000 रुपए में दूसरी कंपनी उपलब्ध करा दे रही है। तो यहाँ पर कीमत जो है एक ही कीमत होगी, यानी जो कीमत तय कर दी गई है उस समय वही होगी। हो सकता है कि बाद में इनकी वस्तु कीमत जो है नीचे गिर जाए, ऊपर तो किसी हालत में होगी नहीं मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता वाले में, ठीक है। अगला हम देखते हैं, चौथा हस्तक्षेप रहित नीति, हस्तक्षेप रहित नीति। तो इसमें क्या होगा, अगर सभी वस्तुओं का रेट लगभग लगभग एक समान है तो गवर्नमेंट का अगर कोई भी नीतियां यहां पर लाएगा, तो क्योंकि अगर नीतियां लाएगा, कुछ नया टैक्स लगा रहा है, तो सभी वस्तुओं में वो टैक्स लगेंगे। तो यहां पर कीमत जो है वहां पर कोई प्रभावित नहीं होगी। टैक्स लगेगा तो तीनों में लगेगा, तो तीनों का रेट कुछ ना कुछ बढ़ेगा। कुछ घटेगा तो तीनों का रेट टैक्स हटाने से कुछ ना कुछ घटेगा। तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहित नीति, यानी गवर्नमेंट अगर कुछ हस्तक्षेप भी करती है यहां पर, तो यहाँ पर इन वस्तुओं की कीमत में कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, घटेगा तो सभी का घटेगा, ठीक है। तो ये है हस्तक्षेप रहित नीति। तो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में ये विशेषताएं होती है। अब हम अगला देखते हैं, शून्य प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। अगला हम देखते हैं शून्य प्रतियोगिता बाजार। तो ऐसे बाजार को शून्य प्रतियोगिता बाजार कहा जाएगा, नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर कोई भी कंपटीशन ही नहीं है किसी वस्तु में, ठीक है। तो ऐसे शून्य प्रतियोगिता बाजार जहां पर किसी भी वस्तु के लिए कोई भी यहां पर उसके लिए कंपटीशन ही नहीं है, तो इसका हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, एकाधिकार। यानी शून्य प्रतियोगिता बाजार की पहली विशेषता हो गई एकाधिकार। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अभी अभी हमने देखा है कि जियो, जब जियो आया तो उसने क्या किया, यहां पर जो 4G या 2G सेवा हमको इतनी महंगे में मिल रही थी, उसने 4G सेवा को फ्री कर दिया। यानी फ्री में आप 4G नेट का प्रयोग करो। तो क्या हुआ, बहुत से कस्टमर्स ऐसे थे जो बाकी कंपनियों को यूज कर रहे थे और चले गए वो कहां, जियो के पास, ठीक है। तो जियो क्या हो गया, ये तो आप मानिए कि जो ट्राई है, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, मतलब जो रहते हैं, ट्राई जो है नियंत्रण करती है पूरे भारत में जितनी भी संचार सेवा है, ट्राई ने जियो को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया कि आप एक निश्चित सीमा के बाद 4G सेवा फ्री में उपलब्ध नहीं कराएंगे ग्राहकों को। ऐसा क्यों किया, अगर मान लीजिए जियो जो है थोड़े समय, एक साल के लिए और यहाँ पर फ्री में सेवा उपलब्ध कराता, तो जियो जो है पूरे मार्केट में एकाधिकार प्राप्त कर लेता। कैसे एकाधिकार प्राप्त कर लेता, लोग फ्री में सेवा इतनी प्राप्त कर लिए रहते कि जो बाकी कंपनियां नेट की सेवा प्रोवाइड कर रही है उसके पास उसके कस्टमर ही नहीं रह जाते। तो क्या होता, वो कंपनियां लॉस में जाती तो वो कंपनी बंद हो जाती। तो उससे उसके कारण क्या होता, वो कंपनी बंद हो जाती तो जियो अपना एकाधिकार मार्केट में पा लेता। तब वो किसी भी वस्तु या नेट की सेवा या जो हमको अभी फ्री में मिल रही है, वो उस समय इतनी तेजी से उसकी कीमतें बढ़ाता कि हम और हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही उपस्थित नहीं होता कि हम दूसरी कंपनी का जाके नेट ले ले। तो उसके लिए जो है, मतलब वहां पर जियो अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता, यानी वो अपने मन चाहे रेट में हमको अपना जो सुविधाएं वो उपलब्ध करा देता, ठीक है। तो हमको उसके मतलब झक मार के हमको उसी की सेवाएं लेनी ही पड़ेगी। तो उसी को टालने के लिए यहाँ पर 4G सेवा के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया कि आप एक निश्चित राशि मतलब 4G सेवा देने के लिए पाए। तो अभी जो है, अभी जो आप देख रहे हो 399 रुपए का हमको रिचार्ज देना पड़ता है, या जो भी है जिसका जैसा प्लान है उस हिसाब से जियो के लिए हमको पे करना पड़ता है। तो बाकी कंपनियों ने क्या किया, सभी कंपनियों ने अब उसी के आसपास अपने रेट ले आए हैं 4G सेवा या 3G सेवा देने के लिए, ताकि ये इसका एकाधिकार मार्केट में ना हो, यानी कोई ना कोई प्रतियोगिता हो वहां पर मार्केट में, ताकि हमारे कस्टमर जो हमसे बंधे रहे, नए नए प्लान ला रहे हैं वो,
ठीक है। तो शून्य प्रतियोगिता बजार में क्या होता है, एकाधिकार होता है, ठीक है। तो ये समझ आया होगा। अगला हम देखते हैं, इसी की विशेषता होती है एक क्रेता अधिकार, एक क्रेता अधिकार। तो एक क्रेता अधिकार यानी क्रेता का मतलब क्या होता है, खरीदने वाला, ठीक है। विक्रेता बेचने वाला, क्रेता मतलब खरीदने वाला। यदि मार्केट में ऐसा कोई मतलब क्रेता है जो सभी वस्तुओं, मतलब कोई मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट आ रहा है जिसका, मान ले रहो ये एक प्रोडक्ट है जिसको खरीदने वाला केवल एक ही क्रेता है, यानी जो पूरा प्रोडक्ट आ रहा है उसको केवल एक ही व्यक्ति, एक ही क्रेता खरीद लेता है, ठीक है। तो और कोई क्रेता है ही नहीं उसका प्रोडक्ट को, ये वाले प्रोडक्ट को खरीदने वाला, तो क्या होगा, जो इस प्रोडक्ट का विक्रेता होगा क्योंकि इसको भी लाभ कमाना है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट को खरीदने वाला ही एक ही व्यक्ति है, तो ये क्या करेगा, कीमत किसके हिसाब से डिसाइड करेगा, इसके हिसाब से डिसाइड करेगा। जितना ये क्रेता बोलेगा कि मेरे को इतने में ये वस्तु चाहिए, क्योंकि इसकी ये प्रोडक्ट तो और कोई खरीदेगा ही नहीं, तो यही खरीदेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपने मन चाहे दाम पर बेचने के लिए बोलेगा कि आप अपने मतलब प्रोडक्ट को यहाँ पर इतने दाम पर भेजो या बेचो। तो ये हो जाएगा एक क्रेता अधिकार, यानी इसका एक अधिकार हो जाएगा कि वो मार्केट में जो है किसी भी वस्तु की कीमत को तय करेगा, ये प्रोडक्ट की कीमत इसी के हिसाब से तय हो रही है, ठीक है। तो एक क्रेता अधिकार ये हुआ, यानी खरीदने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अब हम क्या अगला जो होता है उसको देखते हैं, वो होता है द्विपक्षी एकाधिकार। ये शून्य प्रतियोगिता ही मार्केट है, यहां पर कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, इसी के हिसाब से रेट जो रेट डिसाइड हो जाएगा। द्विपक्षीय एकाधिकार क्या हो गया, किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला विक्रेता भी एक ही है और उसी प्रोडक्ट को खरीदने वाला क्रेता भी एक ही है, यानी ये वस्तु केवल यही कंपनी बनाएगी और इस वस्तु को खरीदने वाला भी यही है, तो क्या हो जाएगा, ये जो कीमत डिसाइड होगी ये दोनों मिलके करेंगे, जैसा दोनों को अपना मतलब जम रहा है, दोनों आपस में बनाएंगे, भाई आप ये प्रोडक्ट जो हम ही खरीद रहे हैं, ये बोलेगा आप यही प्रोडक्ट आप ही बना रहे, तो ये दोनों आपस में मिलके इसका रेट डिसाइड करेंगे और दोनों को जैसा सुटेबल होगा वैसे हिसाब से अपने वस्तुओं को खरीदे और बेचेंगे, ठीक है। तो ये होता है द्विपक्षी एकाधिकार, ठीक है। तो इसमें कोई भी अन्य कोई प्रतियोगिता हो ही नहीं रही है, इसको बनाने वाला और कोई है ही नहीं, इसको खरीदने वाला भी और कोई है ही नहीं, तो यही होता है शून्य प्रतियोगिता बाजार। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो ये जो बाजार होता है, जो वास्तविक हम लोग जो बाजार जाते हैं, ये सबसे करीब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार से ही है हम लोग। कैसे करीब है, देखिए इसमें मतलब कोई प्रतियोगिता तो हो रही है लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं लक्स, मान लेते हैं जो लक्स साबुन आता है उसका प्रोडक्ट ये लक्स है, इसमें जो लक्स साबुन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, यानी क्या क्या मिला के लक्स बनाया गया है, उसका जो गवर्नमेंट द्वारा एक पेटेंट राइट जारी किया जाता है, यानी अगर लक्स ने इस साबुन को जिस इंग्रेडिएंट यूज करके बनाया है कोई अदर कंपनी, देखना साबुन के पीछे जो दिया रहता है क्या क्या मिला हुआ है, तो उसका ये पेटेंट राइट है लक्स का। तो कोई अदर कंपनी जो है वही पेटेंट यूज करके, यानी वही जो इस लक्स ने मिला के बनाया है वो पेटेंट यूज करके दूसरा साबुन नहीं बना सकते, लेकिन अदर कंपनी क्या करती है, मान लीजिए लाइफ बॉय या कोई भी रेक्सोना ले लेते हैं, रेक्सोना जो साबुन बना रहा है वो लक्स में जो उसने इंग्रेडिएंट यूज किया उसी के आसपास ऊपर नीचे थोड़ा सा करके इसने अपना पेटेंट रख लिया और एक साबुन बना लिया। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए लक्स अपनी कीमत को बढ़ा देता है, यहाँ पर जो 20 रुपए का मिल रहा है 40 रुपए का मिल जाएगा, तो लोगों को इतना ज्ञान होता है कि वो लक्स जो है सेम उसी प्रकार का रेक्सोना ने भी प्रयोग किए मतलब यूज किया हुआ है, तो वो जाके लक्स को छोड़ के रेक्सोना को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रतियोगिता तो हो रही है लेकिन एक अपूर्ण प्रकार की हो रही है। हम बहुत से लोगों हम यहाँ देखे हैं कि जो सेम थोड़ा सा पेटेंट राइट लेके यानी एक एकाधिकार ले लेते हैं और इस हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपने ही उसी के आसपास प्रोडक्ट रहते हैं ये, ठीक है। तो लक्स और रेक्सोना जो है यहाँ पर वास्तविक जन से काफी करीब है ये,
ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ता है तो हम उसी प्रकार के दूसरे प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की ये पहली विशेषता है। दूसरा हम देखते हैं द्वयाधिक, इसका द्वयाधिकार देखते हैं, ये हो गया एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक यानी उनको पेटेंट जारी किया जाता है, ठीक है, पेटेंट जारी किया जाता है तो उसका पेटेंट एकाधिकार होता है ये पेटेंट, इसलिए इसको एकाधिकारात्मक बोल रहे हैं। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं प्रतियोगिता तो यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन वो अपूर्ण तरीके से है, यानी उसका पेटेंट यूज नहीं किया जा रहा, कोई दूसरा पेटेंट यूज करके प्रतियोगिता की जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं द्वयाधिकार, ठीक है, द्वयाधिकार क्या होगा, किसी भी वस्तुओं को बेचने वाले, जैसे हम नॉर्मल कपड़ा दुकान की बात कर लेते हैं, तो कोई कपड़ा इसी के पास, मतलब सेम कपड़ा एक दुकान में है, वही दूसरा कपड़ा दूसरी दुकान में है, ठीक है, यही कपड़ा यही दुकान में है और ये वही कपड़ा ये दुकान में भी, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों की कीमत लगभग आसपास ही होगी, क्योंकि ग्राहक को पता चलता है कि अगर ये सस्ता दे रहा है तो ग्राहक इसके पास चले जाएगा, ग्राहक को पता चले ये सस्ता दे रहा है तो ग्राहक इसके पास लेने आ जाएगा, तो ग्राहक क्या करेगा, तो ये दोनों दुकानदार क्या करेंगे, जो वस्तुओं को बेच रहे लगभग आसपास ही अपनी कीमत रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इन पर जो प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन ये अपूर्ण प्रकार की, यहाँ पर द्वयाधिकार मतलब एक कपड़ा, मतलब एक ही चीज दो दुकान वाले रख रहे हैं, तो उनके बीच जो प्रतियोगिता हो रही है उसको द्वयाधिकार प्रतियोगिता बोल रहे हैं। यहाँ पर तीन चार पांच नहीं आता, ये दो लोगों के बीच ही हो रही है, इसलिए नहीं तो अगर ज्यादा होते तो ये किस में आ जाता, पूर्ण बाजार में आ जाता, लेकिन यहाँ पर दो ही लोग है, दो के बीच ये हो रही है, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आ रही है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अल्पाधिकार, ठीक, अल्पाधिकार वही एक प्रकार का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो गया, क्या हो गया, यही चीज जो है पांच लोगों के पास उपस्थित है, मतलब पांच लोगों के पास एक ही चीज मिल रही है, तो जो वस्तु खरीदने जाएगा उन सभी जो यहाँ पर बेचने वाले हैं उन वस्तुओं पर एक थोड़ा सा बस नियंत्रण होगा उनका, कि थोड़े से मार्जिन में ही सब अपनी वस्तुओं को बेचेंगे तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी एक प्रतियोगिता होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार की ये जो है, ये सब अल्पाधिकार जो है एक प्रकार का पूर्ण प्रतियोगिता ही प्रकार है, ये पूर्ण प्रतियोगिता ही है। तो इस प्रतियोगिता में जो है बाजार की कीमत जो है लगभग लगभग प्रभावित नहीं होती, क्योंकि सभी के पास ये उपस्थित रहेगा तो सबका थोड़ा थोड़ा ही मार्जिन रहेगा उसके लिए, वस्तुओं के लिए, तो प्रॉफिट कम होगा, तो जो बाजार में जिसके बंधे हुए ग्राहक है वो वहीं जाकर उस वस्तुओं को खरीदेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हो गया अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता के टाइप का ही होता है, द्वयाधिकार में दो लोगों के बीच, एकाधिकारात्मक मतलब पेटेंट टाइप। तो ये होता है प्रतियोगिता के आधार पर हमने बाजारों को यहाँ पर पढ़ लिया है। तो बाकी जितने भी प्रकार से स्थानीय बाजार होते हैं, विदेशी बाजार होते हैं, राष्ट्रीय बाजार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये सब जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि बाजार आखिर बेसिक होता क्या है। अगली बार जब हम आएंगे तो और इसी प्रकार के बाजारों के प्रकार देखेंगे, उनको आजीविका के साथ जोड़ के देखेंगे कि आजीविका में उनका क्या क्या हिस्सा, गांव स्तर में किस प्रकार के बाजार होते हैं, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।